कि लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड सीट से जबरदस्त जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र जाएंगे। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद आज पहली बार राहुल गांधी वायनाड जाएंगे और अपनी जीत के लिए लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से कुल 43,01,770 वोटों से रिकॉर्ड जीत दर्ज की। वहीं अपनी पारंपरिक सीट अमेठी से इस बार राहुल गांधी को भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी के खिलाफ हार का मुंह देखना पड़ा था। दरअसल कांग्रेस संसदीय बोर्ड की बैठक को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा में हमारे केवल 52 सांसद हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि हमारे ये 52 सांसद भारतीय जनता पार्टी से हर मोर्चे पर मुकाबला करेंगे। हम बीजेपी को हर रोज पटखनी देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी के हर सदस्य को ये याद रखना चाहिए कि आप में से प्रत्येक नेता संविधान बचाने के लिए लड़ रहा है, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के देश के हर आदमी के लिए लड़ रहा है। भाजपा के नेता हमसे लड़ने के लिए नफरत और गुस्से का इस्तेमाल करते हैं और आने वाले वक्त में आपको इसका आनंद मिलने वाला है। हमें आक्रामक होना होगा। ये वक्त आत्मनिरीक्षण और पूरी तरह से बदलाव का है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा पर ये राहुल गांधी का पहला हमला है। चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की है, जिसके बाद से लगातार उन्हें मनाने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन राहुल गांधी ने पार्टी को साफ कर दिया है कि पार्टी के अध्यक्ष के लिए किसी अन्य चेहरे की तलाश की जाए।